हेलो, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 10, उसका सेकंड लेसन द टेलर एंड हिज फ्रेंड। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन 3 है राइट मिसिंग द लेटर्स। उसमें फर्स्ट है टी डैश आई डैश ओ आर, टेलर टी ए आई एल ओ आर, एस डैश डैश पी शॉप एस एच ओ पी शॉप, आर डैश वी डैश आर रिवर आर आई वी ई आर, पी डैश डैश एन पेन पी ए आई एन पेन। फिर क्वेश्चन 4, सर्कल द ऑड वन। उसमें फर्स्ट है रिवर पॉन्ड नीडल, तो रिवर जहाँ पे पानी होता है, पॉन्ड जहाँ पर पानी होता है, तो कौन सा ऑड हुआ? नीडल, तो हम नीडल के ऊपर करेंगे सर्कल। ट्रंक हैंड शॉप, तो ट्रंक वो एनिमल के एक पार्ट है, हैंड वो हमारा एक पार्ट है मेन का, तो ये शॉप जो है वो डिफरेंट हुआ, तो किसके ऊपर हम सर्कल करेंगे? शॉप के ऊपर। फिर थर्ड है रन वॉक पेन, रन यानी कि दौड़ना, वॉक चलना और पेन यानी कि दर्द होना, तो किसके ऊपर सर्कल करेंगे हम? इसमें से हम करेंगे सर्कल पेन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि रन वॉक दोनों चलने के बारे में है और पेन यानी कि दर्द, तो पेन अलग हुआ। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5, राइट ऑपोजिट। उसमें फर्स्ट है नियर फार, नियर यानी कि नज़दीक, तो फार दूर। सेकंड वेट यानी कि गीला ड्राई सूखा। थर्ड गिव यानी कि देना, टेक यानी कि लेना। नियर फार वेट ड्राई गिव टेक। ये तीन एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।